निर्भया गैंगरेप मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब 22 जनवरी के दिन सुबह 7 बजे चारों को फांसी होगी। निर्भया के पेरेंट्स ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी। चारों दोषी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। इंटरनेट कनेक्शन में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए सुनवाई शुरू होने में वक्त लगा। कोर्ट ने चारों आरोपियों से उनका नाम बोलने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान मीडिया कर्मियों को कोर्ट से बाहर करने का आदेश भी दिया गया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि निर्भया के दोषी फांसी को टालने के लिए साजिश रच रहे हैं। इस खबर को दोषी अक्षय ने खारिज किया, कहा कि किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं की जा रही है, किसी भी तरह की कोई प्लान कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही है। दोषियों को मिली सजा पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उनकी बेटी को साफ मिल गया है। चारों दोषियों को फांसी होने के बाद देश की महिलाओं को ताकत मिलेगी। इस फैसले से जनता का विश्वास न्याय प्रणाली पर और भी ज्यादा मजबूत होगा। इससे पहले क्या हुआ था वो भी आप जान लीजिए। चारों दोषियों के नाम हैं पवन, विनय, अक्षय और मुकेश। इनमें से एक दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे 18 दिसंबर के दिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा दोषियों के वकील एपी सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाकर दावा किया था कि वारदात के वक्त यानी 2012 में पवन गुप्ता नाबालिग था, इसलिए उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। मामले का थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं। दरअसल 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का गैंगरेप हुआ था। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। जमकर विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, फिर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक नाबालिग निकला और एक ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था। बचे 4 आरोपी, तो दिल्ली की निचली अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। दोषी पक्ष ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी। फिर दोषी पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, यहां पर भी कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी। चारों दोषियों की सजा का ऐलान तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी तक किसी को भी सजा नहीं मिली है। निर्भया की मां ने चारों के खिलाफ जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी करने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 7 जनवरी तक टाल दी गई थी। बहरहाल दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि वो इस सजा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और जब भी वो कोर्ट जाएंगे या जो भी इस मामले की अपडेट होगी दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए dlalantop.com। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।